हेलो। सत श्री अकाल सारिआं नूं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इग्नू। पहले आपको गूगल पे इग्नू फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल फॉर्म्स आर सिमिलर। ये फॉर्म्स आप फिल तो कर ही सकते हो, बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में जो डाली हुई है ये मिसमैच करती है। टुडे आई गो फॉर डिपॉजिटिंग माई फॉर्म, बट वहां पे जाके इन्होंने बोला कि जो आपने डीडी बनवाया है दैट इज रॉन्ग अमाउंट, बट ये जो ट्रांसक्रिप्ट में अमाउंट डाला हुआ है आई मेड एट द सिमिलर अमाउंट। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जब ट्रांसक्रिप्ट वेस्ट कैनेडा के लिए कर रहे हो तो इसमें ट्रांसक्रिप्ट का अमाउंट जो जो 500 रुपीज पर ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको आपको 1000 रुपीज का डीडी बनवाना पड़ेगा। अनलेस आपको एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि एक मतलब बहुत ही टफ टास्क है कि दोबारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके जमा करवाना। तो इट्स बेटर कि आप 1000 का डीडी बना के लेके जाएं और वहां पे हाथों हाथ आपका काम हो जाएगा। इस फॉर्म के साथ आपको दो चीजें लगानी होंगी। एक आपकी होगी दिल्ली इग्नू यूनिवर्सिटी की डिग्री एंड इग्नू यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, वो भी आपको टू कॉपीज लगानी है, जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, विच इज नॉट मेंशनड हियर एनीवेयर। तो आपको टू कॉपीज ऑफ डिग्री फ्रंट एंड बैक एंड टू कॉपीज ऑफ मार्कशीट फ्रंट एंड बैक लगानी है, प्लस ये वेस का फॉर्म साथ में लगाना पड़ेगा आपको, जिसमें वेस का आपका रेफरेंस नंबर एंड वेस का एड्रेस मेंशन होगा। उसको ये अटेस्ट करके सील एनवेलप में डायरेक्टली कनाडा भेज देंगे वेस के लिए। दैट इज ऑल। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो बेल आइकन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।